व्लॉग में बताने वाली हूँ, व्लॉग का एंड जरूर देखिएगा। ये बच्चों और मैं लाई हूँ, पता है क्या, चपाती, लौकी की सब्जी, भिंडी। देखो इनको वोमिटिंग आ रही है, इनको भिंडी खा लेंगे, भिंडी चपाती नहीं खानी। अच्छा और मैं कहूँ कि हीना को मिलेगा फ्रेंच फ्राइज और नहीं, मेरे सबसे गंदे लगते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है कि फ्रेंच फ्राइज आपको पसंद नहीं है। अच्छा पीयूष, अगर मैं आपको बोलूँगी पीयूष आपको बर्गर मिलेगा तो अच्छा लगेगा आपको कि चपाती खाओगे कि बर्गर खाना आपको? चपाती और सब्जी लौकी की, फिर भिंडी, भिंडी भिंडी खाएगा। अच्छा रोटी के साथ बिंदी कौन खाता है? बिंदी नहीं, बिंदी बिंदी तो मैंने लगा रखी है। अरे बिंदी पहले जो पहली डेट का बिल है उसको उसकी पहले डेट चेंज करना। अगर आपने एक तारीख को बिल डाला है करना फिर दूसरी तारीख की तीसरी तारीख की ऐसे करना। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं यूनाइटेड रोलर स्पोर्ट्स क्लब। ये स्केटिंग ट्रैक है यहाँ पर मोहाली में, जहाँ पर नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ये एंट्री है यहाँ से, तो अभी हमने एंट्री की है और बिल्कुल जस्ट सामने स्केटिंग ट्रैक है जहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है। तो बच्चे आगे जा रहे हैं अभी देखने और हम लोग अभी कार पार्क करेंगे, उसके बाद हम भी देखते हैं क्या चल रहा है, अंदर प्रैक्टिस चल रही है कि नहीं चल रही है। वैसे तो चल ही रही है, बच्चे दिख रहे हैं सामने, तो देखते हैं अभी कार पार्क करके। ये देखिए ये कोच इनके हैं जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चों को। ये सिटिंग एरिया है, इधर सारे लोग बैठ जाएंगे और ताकि जो इसका जो आउटिंग एरिया है ग्राउंड का वहाँ पर क्राउड ना हो, तो इसीलिए सभी का सिटिंग एरिया सेपरेटली बना रखा है। तो बच्चा पार्टी अपने अपने बैग ले आए हैं स्केटिंग के और इनमें इनके स्केट्स रखे हैं। अभी गार्ड्स पहनेंगे, स्केट्स पहनेंगे, फिर जाएंगे स्केटिंग ट्रैक के अंदर, फिर प्रैक्टिस करेंगे। धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे भी कंफ्यूज हैं कि क्या करें हम लोग, इतनी ज़्यादा गर्मी है। स्केट्स पहन लिए हैं बट करना पड़ेगा, और ये इधर पहन रहे हैं अभी, अभी जाएंगे ट्रैक के अंदर, हेल्प कर रहे हैं। हम लोगों ने लंच किया है और अब जाएंगे बच्चे ट्रैक पे प्रैक्टिस करने के लिए। मज़ा आएगा दोपहर में, कल मॉर्निंग में इनकी रेस होने वाली है, तो अभी प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं ये। हम लोग इसीलिए थोड़ा सा जल्दी निकले थे घर से कि थोड़ा सा बच्चों को पता चल जाए ट्रैक का कि कैसे करना होगा वहाँ पर, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। क्या है और थक जाएगा यमन तो फिर नहीं, दो रेस एक दिन में। और हिना की कल मॉर्निंग में है, पीयूष की भी कल मॉर्निंग में है, सबकी कल मॉर्निंग में रेस है। गार्ड्स पहन लिए आप भी, पीयूष पहन लो ठीक रहेगा, ये नी गार्ड, धूप है, नहीं धूप है ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड अपना ऑफिस का वर्क करेंगे अभी यहाँ पर बैठ कर, क्योंकि शेड्यूल हम लोगों का इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए चलो जाओ तुम लोग। रुक जाओ। तो बच्चे एंट्री कर रहे हैं अंदर। क्या हो गया आपको, क्या हुआ? कोई बात नहीं, तो आ जाओ आप भी, कर लेना कोई बात नहीं। तो बच्चे जा रहे हैं, तो बच्चे प्रैक्टिस के लिए गए हैं अभी, वो थोड़ा स्लो स्लो करेंगे, वार्म अप कर रहे हैं अभी, उसके बाद फिर वो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे अपनी। ये जो ट्रैक है ये है 200 मीटर का ट्रैक है, तो इसमें बच्चों की कल रेस होगी। ये मेरा बेटा है, इसकी जो स्केट्स हैं वो क्वाड हैं, ये क्वाड्स पे करेगा। ये आप देख सकते हैं सभी स्टेट्स के बच्चे आए हुए हैं और यहाँ प्रैक्टिस चल रही है। कुछ लोग दो दिन पहले आए हैं, कुछ लोग चार दिन पहले आए हैं, कुछ आज आए हैं, कुछ कल आएंगे। जैसे जैसे जिसकी रेस का शेड्यूल होगा वैसे वैसे बच्चे आते रहेंगे, और प्रैक्टिस कुछ इस तरह से चल रही है बच्चों की। तो बच्चे पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने, ये देखिए इसमें काफ़ी छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सभी एज ग्रुप के बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुरुग्राम से मोहाली पड़ जाता है 300 किलोमीटर, तो हमें इतना टाइम लग गया है,
मोहाली का रोड ट्रैक है, यहाँ पर नेशनल मजा आ रहा है ना को डैडी के साथ गोदी में। जाओ इधर राउंड लगा लो, गर्मी बहुत ज्यादा है, ऑफिस का काम करना है, हस्बैंड को बच्चों को प्रैक्टिस करनी है, मुश्किल है यार, कितनी हवा चलती है। तो बच्चों की रेस फिनिश हो चुकी है, अब उनके हम लोगों को एंट्री कार्ड लेना है जिससे कल उनकी एंट्री होगी ट्रैक के अंदर। तो अभी हम कार्ड लेते हैं। तो हम लोगों को एंट्री कार्ड मिल गए हैं और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब इस तरह से देखने को मिलता है। सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को जब एंट्री कार्ड रिसीव हुआ है, वो भी नेशनल लेवल का। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और अब हम जाएंगे अपने होटल की तरफ। और जो ये ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ये है गेहूँ, ये अभी सूख चुका है, ये देखिए ये गेहूँ है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम बाल भी बोलते हैं, इसके अंदर से गेहूँ का दाना निकलता है, ये देखिए। और ये है मेथी जो ग्रीन ग्रीन दिख रही है, और इधर है कुछ सनफ्लावर के खेत, यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे बड़े बड़े सनफ्लावर हैं, ये देखिए आपको दिखाते हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं रुक गई यहाँ पर, ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है सनफ्लावर। इस तरह के यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, चारों तरफ, ये देखिए दिखाते हैं। मस्ती शुरू हो गई, इधर यहीं रुके चले बच्चों, चले क्या हो गया, क्या हुआ दिखो, ओ पैर नहीं कटना चाहिए यार, प्रॉब्लम हो जाए। शूज डिग्गी में रखे हैं, निकालो जल्दी से, ले लो जल्दी से, ये देखिए बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, यहाँ पर मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड तो गाड़ी में ही बैठे हैं, तो बोल रहे मुझे नहीं आना बाहर, आप लोग घूमो और उसके बाद घूम के अंदर गाड़ी में बैठ जाना, ये अपना अंदर ही बैठे हैं आराम से, उनको जो करना है काम अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो हम लोग आ चुके हैं होटल में, ये जो ट्रैक है वहाँ से 23 किलोमीटर पड़ता है, बट कोई ऑप्शन ही नहीं था हम लोगों का ही। तो अब करेंगे रेस्ट, बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग सारा दिन से, ये हम होटल रूम में हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है, नीट एंड क्लीन है, हाइजीनिक है। और लास्ट ईयर भी हम लोगों ने यहाँ स्टे किया था तो अच्छा लगा हम लोगों को, तो हमने इस बार भी यहीं बुक किया। मॉर्निंग में था कि हम लोग घर से जल्दी निकले थे, उसके बाद हम लोग गए मोहाली में जो स्केटिंग ट्रैक है इनका प्रैक्टिस के लिए, वहाँ पर इनको प्रैक्टिस करवाई 1-2 घंटे, उसके बाद इनका जो भी प्रोसेसिंग होती है वो सब कम्प्लीट करके अब हम लोग होटल में पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा थक गए हैं और लिटरली वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्म हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हुए, पर चलिए कोई बात नहीं, करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे आज दिन भर का शेड्यूल जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो भी इससे रिलेटेड होगा, उसको भी आप मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं अपने बच्चों की जो नेशनल लेवल की परफॉर्मेंस होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं जो भी व्लॉग अपडेट करूँ वो आपको टाइम टू टाइम रिसीव होता रहे। और आज का तो मैंने जो भी था हमारा जो भी सब हुआ मोहाली में आकर वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और जो नेक्स्ट जो भी होगा बच्चों की परफॉर्मेंस जो भी होगी वो भी मैं आपके सामने शेयर करूँगी, साथ शेयर करूँगी। तो बाय फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही, आज आप थक गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा दिन था आज हम लोगों के लिए, तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।